शास्त्रीयकाल दोस्तों एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं जी तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके गल करांगे जी पंजाब दोपहर दीयां ताज़ा वड्डियां खबरां बारे सब तो पहला चैनल स्टडी इन जॉब अलर्ट्स देख रहे सारे ही स्रोतियां दा स्वागत करदी हां। पहली वड्डी खबर दोस्तों पंजाब स्कूलों नूं 1 नवंबर तक सख्त हुक्म जारी। अगली वड्डी खबर दोस्तों 100 रुपए किलो तक पहुंचेगी प्याज दी कीमत। अगली वड्डी खबर दोस्तों नवंबर महीने विच कुल मिलाके 15 होणगियां छुट्टियां बैंक रहणगे बंद। तुहानूं सारे खबरां बारे वीडियो विच पूरी जानकारी दवांगे पर वीडियो शुरू करन तों पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल ते नवे हो अते अज तक भी अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां दोस्तों चैनल नूं कर दो सबसक्राइब ते नाल ते बैल आइकन नूं प्रेस कर लियो क्योंकि तुहानूं अपने चैनल ते पंजाब अते पंजाब स्कूलां बारे वड्डियां तों वड्डियां अते अहम खबरां घर बैठे देखण दे लई मिलदी रहणगियां। सो शुरुआत कर लेने समय की सब तो पहली अते वड्डी खबर तो पहली वड्डी खबर है जी मौसम विभाग वालों इन्हां सूबों विच भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ प्यारे दर्शकों भारत के दक्षणी हिस्से विच मींह का एक होर नवा पड़ा शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग जाने के IMD ने 29-30 अक्तूबर को फिर तो मींह पैण की भविष्यवाणी की आ। यह खेत्र पहला ही 21 अक्तूबर को शुरू होए उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव देख रहा है। शुरू होए IMD का मौसम पूर्वानुमान दर्शाता है कि अगले हफ्ते दौरान दक्षणी प्रायद्वीप भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधि आम नालों वध रहने की उम्मीद है। अगली खबर वड्डी खबर है जी 100 रुपए तक पुजेगी प्याजा की कीमत। 3 दिन तक दुगना होया पर जल्द राहत ना मिलने के आसार। जी हाँ प्यारे दर्शकों टमाटर तो बाद हुण प्याज भी लोगों नूं रवाउण लग पिया है। पिछले कुछ दिनों तो प्याज दीआं कीमतां विच भारी वाधा होया है जिसका असर लोगों के बजट उत्ते पैना शुरू हो चुका है। प्याज के व्यापारी कीमतों में अचानक वाधे लई सप्लाई विच कमी नूं जिम्मेवार ठहरा रहे ने प्याज व्यापारियों अनुसार नराते तो पहला प्याज की कीमत 25-30 रुपए प्रति किलो सी जो 3 दिन में बढ़ के 55-60 रुपए प्रति किलो हो गई है। हुण बाजारों में यह 65-70 रुपए के हिसाब नाल बाजारों में बिक रही है। अगली वड्डी खबर दोस्तों मुकेश अंबानी नूं मिली जानों मारन की धमकी। ईमेल राही मंगे 20 करोड़ रुपए। जी हाँ दर्शकों देश के सब तो वड्डे उद्योगपतियों विचों एक मुकेश अंबानी नूं जानों मारन की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने मुकेश अंबानी तो 20 करोड़ रुपए की मंग की अते कहा है कि जेकर पैसे ना दते तो अपनी जान गवाउणी पवेगी। सूत्रों ने दस्सिया सी कि 27 अक्तूबर को किसी अनुपसाती व्यक्ति ने मुकेश अंबानी की ईमेल ID ते धमकी भरी ईमेल भेजी सी। यह ईमेल मिलने तो बाद मुकेश अंबानी के सुरक्षा इंचार्ज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 387-506-2 के तहत एक अनुपसाते व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दिती है। अगली खबर वड्डी खबर है जी नवंबर विच करवा चौथ दिवाली 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। देखो सूबावार लिस्ट करवा चौथ दिवाली सठ पुरब भाई दूज वर्गे कई महत्वपूर्ण त्यौहार नवंबर महीने मनाए जाएंगे। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वक्त सूबे बैंकों में छुट्टियों की सूची जारी की है। RBI के अनुसार सूबा के केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। हालांकि बैंक गाहक ऑनलाइन नैट बैंकिंग ATM राही लैन देन कर सकते हैं। इस छुट्टियों में दोस्तों दूजे चौथे शनिवार की छुट्टी भी शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों अनुसार देश के सारे बैंक दूजे चौथे शनिवार को बंद रहेंगे। अजे बच जेकर तुम नवंबर महीने बैंक न जुड़िया कोई जरूरी काम पूरा करना चाहते हो तो छुट्टियों की यह लिस्ट देख के ही घरों निकलो। तो दोस्तों नवंबर महीने छुट्टियों की पूरी सूची तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन उपर वेख ही सकते हो। 1 नवंबर 10 नवंबर 11 नवंबर 12 नवंबर 13 नवंबर 14 नवंबर 15 नवंबर 20 नवंबर 20 तो बाद 23 नवंबर 23 तो बाद 25 नवंबर 26 नवंबर बैंक बंद रहेंगे। इस तो इलावा दोस्तों 27 नवंबर 30 नवंबर भी बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर तो दोस्तों दिवाली मौके पंजाबियों को वड्डी सौगात देने की तैयारी में केंद्र सरकार। जी हाँ प्यारे दर्शकों रेलवे बोर्ड वालों फिरोजपुर डिवीजन मंडल में एक होर बंदी भारत एक्सप्रैस चलाने की तैयारी की जा रही है जो कि अमृतसर नवी दिल्ली ट्रैक पर चलेगी। विभागी सूत्रों अनुसार विभाग वालों इस संबंधी तकनीकी जांच तो बाद
ट्रेन की समा सारणी स्टाफ नूं लैके तैयारी कर ली गई है, जबकि रेल का किराया तय होना बाकी आ। सूत्रों तों प्राप्त जानकारी मुताबक दिवाली दे मौके विभाग दे वल्लों ट्रेन चला के तोहफे वजों दित्ता जा सकदा है। रेल यात्री 450 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करनगे। अगली वड्डी खबर दोस्तों, दिवाली तो पहला महंगा होया गंडा, खपतकारां नूं राहत देण लई सरकार ने लिया है वड्डा फैसला। जी हाँ प्यारे दर्शकों, गंडे की अखिल भारतीय औसत प्रचून कीमत 57% तों वध के 47 रुपए प्रति किलोग्राम होण तों बाद खपतकारां नूं राहत देण लई केंद्र ने शुक्रवार को प्रचून बाजारों में 25 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से बाफर स्टाक तो गंडे की बिक्री बढ़ाने की मांग की है। खपतकार मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए अंकड़े अनुसार एक साल पहला इसे अरसे दौरान गंडे की अखिल भारतीय औसत प्रचून कीमत 30 रुपए प्रति किलो तो वध के शुक्रवार को 47 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अगली वड्डी खबर दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वल्लों सूबे के से टोल प्लाजा बंद करन दा ऐलान। जी हाँ दर्शकों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार मुड़ तो महत्वपूर्ण फैसला लेंदे हुए सूबा राजमार्गों ते स्थित से टोल प्लाजा नूं बंद करन दा ऐलान किया है। इस कदम नाल आम जनता नूं भारी राहत मिलने वाली आ। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि इन्हां टोल प्लाजा के बंद होण नाल जनता के सालाना 13.50 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने दसाया कि 3 टोल प्लाजा स्टेट हाईवे 17 से राजस्थान बार्डर के कोल पिंड बशीरपुर, स्टेट हाई 11 से पंजाब सीमा के नेड़े पिंड टटियाणा, स्टेट हाईवे 22 से पिंड गुजरवास, इस तरह कैथल खनौरी सड़क से पिंड संगतपुरा नेड़े पंजाब सीमा, स्टेट हाईवे 8 से स्थित टोल प्लाजा 10 नवंबर को बंद हो जाएगा। काला अंब सढ़ारा शाहबाद सड़क के पिंड आसगरपुर नेड़े हिमाचल प्रदेश सीमा, स्टेट हाईवे 4 रोहतक खरकौदा दिल्ली सड़क सीमा से पिंड फिरोजपुर नेड़े दिल्ली स्थित स्टेट हाईवे 18 से स्थित टोल प्लाजा का संचालन 1 दिसंबर 2023 बंद कर दिया जाएगा।